write down the problem of fair dice is tossed 8 times. A fair dice is tossed 8 times. Probability that on the eighth throw, third six is observed. तो मैं 8 बार एक डाइस को थ्रो कर रहा हूं, 8वें थ्रो में थर्ड सिक्स आए, तो इसके लिए जरूरी है नेसेसरली 8th थ्रो में सिक्स आना चाहिए। तो किसी भी थ्रो में 8th हो, सेकेंड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6। ओके, ये हैपेंड होना चाहिए 8th थ्रो में। और इसके लिए जरूरी ये हो गया कि पहले 7 थ्रो जो हुए हैं उनमें नेसेसरीली 2 बार सिक्स आए और 5 बार सिक्स ना आए, सिक्स अपियर हो 2 बार, 2 times 6 आए और 5 बार सिक्स अपियर ना हो, ओनली तभी ये पॉसिबल है कि 8th थ्रो में सिक्स आए। तो अगर 7 times में ऐसा हैपेंड होता है, उसमें सीक्वेंस कोई मैटर नहीं कर रहा, और 8th में ये होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि 8th थ्रो में 6 आ रहा है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लगा सकता हूं, ध्यान समझिए, पहले 7 थ्रो में 2 बार 6 आए तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 7c2। ओके, 7c2, 6 आए 2 बार, कितनी भी बार आ सकता है, 1/6 की पावर 2 इंटू, और 5 बार 6 ना आए, 5/6 की पावर 5। तो इस 7 times में 2 बार 6 आया और 8th में भी 6 आए इंटू 1/6, इट विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। कंसंट्रेट करिए, मुझे लगता है ये समझ आ गया है। तो देखते हैं ऑप्शन कोई है कि नहीं। 7c2, ओके, 5/6 की पावर 5, 5 की पावर 5 एंड 6 की पावर 8, बी इज द आंसर, ये करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। समझ गए? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है पहले 7 times में एग्जैक्टली 2 बार रिपीटेड ट्रायल्स हैं, जिसमें हर बार 6 आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, लेकिन पहले 7 times में कितनी बार 2 बार 6 आ रहा है और 5 बार 6 नहीं आ रहा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कौन सी 2 बार 6 आ रहा है, दैट वो मैंने 7c2 से मैनेज किया। और 8th में नेसेसरीली क्या आ रहा है? 1/6 आ रहा है, तो 1/6 का मल्टीप्लाई, ये दोनों साइमल्टेनियसली अकर करवाई, अच्छी प्रॉब्लम, ठीक है ना? समझ गए? ओके,